डियर स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ क्लास की एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, द गोल्ड वॉच। इसका मतलब है सोने की घड़ी, और इसे लिखा है पंजीकारा रैफी ने। इस वीडियो में सबसे पहले इस स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे आपको भी ये पता चल पाए कि आपने स्टोरी को कितना समझा है। सो वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ऑथर के बारे में। पोंजीकारा रैफी, बॉर्न इन 1924, इज़ अ मलयालम राइटर। क्या कह रहे हैं कि जो इसके ऑथर हैं, पोंजीकारा रैफी, बॉर्न, पैदा हुए इन 1924 में, इज़ अ मलयालम राइटर, वो एक मलयालम लेखक हैं। इज़ अ ट्रेड यूनियनिस्ट एंड अ सीवियर क्रिटिक ऑफ द अब्यूज़ ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट। वो कौन है? ही इज़ अ ट्रेड यूनियनिस्ट। ट्रेड यूनियनिस्ट कहते हैं मजदूर संघ के सदस्य को। तो बता रहे हैं कि जो लेखक हैं वो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, यानी मजदूर संघ के सदस्य हैं। एंड अ सीवियर क्रिटिक, सीवियर मीन्स होता है गंभीर, क्रिटिक मीन्स आलोचक, अब्यूजेस मीन्स है यहाँ पे मिसबिहेवियर। तो किस चीज़ के वो गंभीर आलोचक हैं? ऑफ द चर्च, चर्च के मिसबिहेवियर, यानी चर्च के दुर्व्यवहार के, एंड द प्रीस्ट, और उसके जो चर्च के जो फादर होते हैं उसके मिसबिहेवियर के वो बहुत गंभीर आलोचक हैं। ही स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज अबाउट द लाइफ ऑफ द लो पेड वर्कर्स। ही स्टार्टेड राइटिंग, उन्होंने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? स्टोरीज, कहानियाँ, अबाउट द लाइफ ऑफ द लो पेड वर्कर्स। किन के जीवन के बारे में? लो पेड वर्कर्स, यानी कम तनख्वाहों वाले जो मज़दूर थे, उनके जीवन के बारे में उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया। ही हैज़ रिटन फुल लेंथ नॉवेल्स टू, और उन्होंने फुल लेंथ यानी लंबी लंबे नॉवेल्स भी लिखी हैं। लेट्स रीड अबाउट दिस स्टोरी। शंकु वॉज अ पुअर मैन। शंकु एक गरीब व्यक्ति था। ये जो स्टोरी है द गोल्ड वॉच, ये शंकु नाम के गरीब व्यक्ति की इस कहानी है, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। तो क्या कह रहे हैं? ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करता था। ही गॉट ओनली 1 रुपी अ डे। ही गॉट, उसे मिलते थे ओनली 1 रुपी अ डे, एक दिन में सिर्फ 1 रुपये, यानी वो जो फैक्ट्री में काम करता था उसे एक दिन की मजदूरी सिर्फ 1 रुपये ही मिलती थी। ही हैड अ वाइफ एंड 2 लिटिल चिल्ड्रन। ही हैड, उसके पास थे, क्या थे? अ वाइफ, एक पत्नी थी, एंड 2 लिटिल चिल्ड्रन, और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। सो ही कुड नॉट सपोर्ट हिज फैमिली प्रॉपरली। सो ही कुड नॉट सपोर्ट, इसलिए वो देखभाल नहीं कर पाता था हिज फैमिली, अपने परिवार की प्रॉपरली, ठीक तरह से, यानी उसकी तनख्वाह इतनी कम थी, जब उसे एक दिन में सिर्फ 1 रुपये ही उसको मजदूरी मिलती थी, तो उसकी वजह से, कम तनख्वाह की वजह से, वो अपने फैमिली की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पाता था। एंड वॉज कम्पेल्ड, कम्पेल्ड मीन्स मजबूर होना, एंड वॉज कम्पेल्ड, और मजबूर था, टू टेक लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वेरियस मीन्स होता है भिन्न, सोर्सेज मीन्स स्रोत, यानी वो विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग जगहों से वो लोन्स लेने के लिए, यानी कर्ज लेने के लिए मजबूर था। हिज फैमिली नीड्स मेड हिम वरीड। हिज फैमिली नीड्स, उसके परिवार की आवश्यकताओं ने, मेड हिम वरीड, उसे चिंतित कर दिया था। सो ही डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? टू स्टील, स्टील मीन्स चुराना, टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ हिज फैक्ट्री इंजीनियर, अपने ही फैक्ट्री के इंजीनियर के सोने की घड़ी को चुराने का निर्णय लिया। Being driven by his pressing needs, he stole the gold watch of the engineer. Being driven, प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होकर? By his pressing needs, अपनी भारी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर, he stole the gold watch of the engineer, उसने उस इंजीनियर के सोने की घड़ी को चुरा लिया। But he was not a habitual thief. Habitual means होता है स्वाभाविक, लेकिन वो स्वाभाविक चोर नहीं था, मतलब वो अपनी आदत से चोर नहीं था। सो हिज कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मीन्स होता है अंतरात्मा, ज़मीर, इसलिए उसकी अंतरात्मा ने, उसकी ज़मीर ने उसे झकझोर दिया। बीइंग अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड, बीइंग पनिश्ड, सज़ा दिए जाने के डर से, ही पुट बैक द गोल्ड वॉच एट द प्लेस,
पुट बैक, उसने वापस रख दिया द गोल्ड वॉच, उस सोने की घड़ी को, एट द प्लेस, उस जगह पर, फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही टुक इट, उसने उसे लिया था या उठाया था, एंड केम आउट ऑफ द इंजीनियर्स ऑफिस हरीडली, हरीडली मीन्स जल्दी से, और जल्दी से इंजीनियर के ऑफिस से निकल गया। द स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमें बताती है, दैट आर नीड्स कंपेल अस टू डू व्हाट वी डू नॉट विश टू डू, कि हमारी आवश्यकताएं हमें मजबूर करती हैं वो करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते। तो कुल मिला के ये जो स्टोरी है, ये शंकु नाम के गरीब व्यक्ति की कहानी है, जो एक फैक्ट्री में काम करता था, जो एक लो पेड वर्कर था। उसे एक दिन के लिए सिर्फ 1 रुपये ही मजदूरी मिलती थी, और इसकी वजह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाता था। तो अपनी आवश्यकताओं से एक दिन प्रेरित होकर, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने सोचा कि वो अपने इंजीनियर के सोने की घड़ी को चुरा ले, और उसने चुरा भी लिया, लेकिन फिर सज़ा दिए जाने के डर से या बेइज्जती के डर से उसने वापस उस घड़ी को उस जगह पे रख दिया। तो चलिए अब चलते हैं सीधा टेक्स्ट पर। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। क्या कह रहे हैं लेखक? एज़ ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मीन्स पिछली कई रातों की तरह ही, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु नहीं सो सका दैट नाइट, उस रात, यानी शंकु उस रात भी नहीं सो पाया, पिछली कई रातों की तरह, यानी जिस रात का लेखक जिक्र कर रहे हैं उस रात भी शंकु बेचैन था और उसे नींद नहीं आई, और इससे पहले की रातों में भी वो ऐसे ही बेचैन था और सो नहीं पाया था। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, टर्न एंड टॉस ये एक फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है करवटें बदलना। तो कह रहे हैं ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वो अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा, बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी वो करवटें बदलता रहा फिर भी उसे नींद नहीं आई। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, द मोर ही थॉट, द मोर जितना ज़्यादा ही थॉट वो सोचता था, द वर्स ही फेल्ट उतना ही बुरा उसे महसूस होता था, यानी वो जितना ज़्यादा सोचता था उसे उतना ही ज़्यादा बुरा लगता था। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड ले और लेट गया, ऑन हिज टॉर्न मैट, टॉर्न मीन्स फटा हुआ, और फटी हुई चटाई पर लेट गया, इन द डार्कनेस, अंधेरे में। And yet he could see it as clearly as during the day. अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि और फिर भी he could see, वो देख सकता था इसे, as clearly, उतना ही स्पष्ट देख सकता था, as during the day, जैसा कि दिन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वैसा ही वो उस अंधेरे में भी अपनी आँखें बंद करके क्लियरली देख सकता था, स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्या देख सकता था? द डिजर्टेड ऑफिस रूम व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट फॉर लंच। द डिजर्टेड ऑफिस, डिजर्टेड मीन्स होता है रेगिस्तान जैसा, सुनसान, खाली, ऑफिस रूम यानी कि उस ऑफिस को, उस सुनसान ऑफिस को, उस खाली ऑफिस को देख सकता था। व्हेन एवरीवन, जब सभी लोग, हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जब सभी लोग या तो आराम के लिए या लंच के लिए चले गए थे। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, ग्लास विंडो मीन्स कांच की खिड़की, जो कांच की खिड़की थी, ओनली पार्टली क्लोज्ड, पार्टली मीन्स आधी, क्लोज्ड मीन्स बंद, वो आधी बंद थी और आधी खुली हुई थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, फ्यू फैट वॉल्यूम्स में से कुछ मोटी किताबें। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और मेज़ के एक छोर पर, इनसाइड, अंदर, यानी ऑफिस में मेज़ के एक छोर पर क्या था? अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी किताबें थी। एट द अदर एंड अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फॉर्थ, और दूसरे छोर पर क्या था? अ पेन, एक पेन था, एन इंक बॉटल, एक दवा थी, एंड सो फॉर्थ, और इसी तरह की और दूसरी सारी चीज़ें रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन, और बीच में, वॉज अ गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी थी, विद इट्स गोल्ड चेन, जिसमें सोने की चेन थी, प्लेस्ड ऑन अ बुक, और वो किताब के ऊपर रखी हुई थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट फूड एंड यू कैन पिक इट अप। अब क्या सोच रहा है शंकु? ओपन द विंडो, की खिड़की को खोलो, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथ को, अबाउट अ फूड, लगभग एक
फुट तक फैलाओ, स्ट्रेच आउट मीन्स फैलाना, एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम उसे उठा सकते हो। एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच, और सभी लोग लंच के लिए बाहर गए हुए हैं। नो बडी विल नो, किसको पता नहीं चलेगा। संगू रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स प्रयास या कोशिश। संगू ने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कॉवर्डिस एंड हिज वेसलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, किस चीज़ को याद किया। हिज कॉवर्डिस, कॉवर्डिस मीन्स होता है डरपोकपन, वेसलेशन मीन्स होता है हिचकिचाहट। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी कायरता को यानी अपने डरपोकपन को और अपनी हिचकिचाहट को उसने याद किया। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, ही हैड नेवर सीन एनीवन, उसने उस समय वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा था। एंड येट, और फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, वो डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, एंड वो कांप रहा था। एंड फेल्ट ब्रेथलेस, फेल्ट ब्रेथलेस मीन्स होता है सांस ना आना, ब्रेथलेस बिना सांस के। फेल्ट ब्रेथलेस यानी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस नहीं आ रही है। दैट वॉज वाई, और इसीलिए ही हैड रेफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, एवरी टाइम हर बार। ही हैड रेफ्रेंड, रेफ्रेंड मीन्स होता है रोकना, उसने अपने आप को रोका था उस घड़ी को लेने से, यानी हर बार इसीलिए डर की वजह से वो घड़ी को नहीं ले पाया। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, पुट ऑफ मीन्स होता है टालना, एनी लॉन्गर मीन्स और अधिक समय तक। तो शंकू यहाँ पे सोच रहा है इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, कि इसे और अधिक समय तक टालने से काम नहीं बनेगा। इट वुड नॉट डू, इससे कोई काम नहीं बनेगा, पुट इट ऑफ उसे टालने से एनी लॉन्गर, और अधिक समय तक, यानी अगर हम इस काम को जो उसका प्लान था घड़ी चुराने का, अगर वो इस काम को, इस प्लान को और टालता रहेगा तो इससे उसका कोई काम नहीं बनेगा, वो ऐसा सोच रहा है। इफ़ यू थॉट एनी फर्दर, फर्दर मीन्स आगे, अगर उसने आगे और सोचा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग, तो वो कुछ भी करने के लायक नहीं होगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, ब्लर्ट आउट मीन्स होता है बिना सोचे समझे कह देना, इंटेंशन मीन्स होता है नीयत, एक्सीडेंटली मीन्स होता है दुर्घटनावश या अनजाने में। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, वो बिना सोचे समझे कह सकता है इस इंटेंशन, अपनी इस नीयत को एक्सीडेंटली अनजाने में, यानी हो सकता है कि वो अनजाने में अपनी इस नीयत को, अब उसके दिल में जो बात है वो बिना सोचे समझे कह दे। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए उसे कल ज़रूर ले लेना चाहिए। सपोज़, मान लो ही डिड नॉट, कि वो ऐसा नहीं कर पाया, यानी मान लो कि वो अगर ऐसा नहीं कर पाया। संकू's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. आगे कह रहे हैं संकू's thoughts, यानी संकू के विचार began to linger, linger means होता है ठहरना, over the thorny problems, कांटों भरी कष्ट या कांटों भरी मुसीबतें, अपने जीवन के जो कष्ट भरी मुसीबतें थी उनके ऊपर उसके विचार ठहरने लगे, यानी वो अपने जीवन के कष्टों के बारे में सोचने लगा। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, आगे क्या सोच रहा है कि टुमारो, कल, वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर थ्री डेज ही वुड गेट हिज पे 13 rupees फॉर 13 days, इन अनदर थ्री डेज, और अगले तीन दिनों में ही वुड गेट, उसे मिलेगा हिज पे, अपनी तनख्वाह मिलेगी, कितनी मिलेगी, 13 rupees फॉर 13 days, 13 दिनों के लिए 13 रुपये उसे मिलेंगे। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेस एट द स्टोर, ही हैड टू पे, उसे चुकाना था 4.5 rupees यानी 4.5 रुपये फॉर परचेजेस एट द स्टोर, जो उसने स्टोर से परचेज किया था, सामान ख़रीदा था, उसके लिए उसे 4.5 रुपये चुकाना था। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, आगे कह रहे हैं कि अब बैलेंस कितना होगा, 8.5 rupees का। ही हैड रीपेड ओनली 5 out of the 10 rupees, और उसने 10 रुपयों में से सिर्फ 5 रुपये ही चुकाए थे, किसके, ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी,
ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, जो उसने फंड से बोरो लिया था, उधार लिया था प्रीवियस मंथ, पिछले महीने अपने घर जाने के लिए और अपनी माता की डेथ एनिवर्सरी पर अपने घर जाने के लिए जो उसने फंड से उधार लिया था उसके लिए उसने 10 में से सिर्फ 5 रुपए ही चुकाए थे। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। आगे वो क्या कह रहा है कि नहीं, ही मस्ट पे, वो ज़रूर चुकाएगा द रिमेनिंग 5 रुपीज़, बाकी के बचे 5 रुपए विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, कितने ब्याज के साथ, एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक, यानी एक हफ्ते के 1 रुपए में 6 पैसे के हिसाब से, यानी पर वीक 1 रुपए में 6 पैसे के हिसाब से वो ब्याज के साथ उस कर्ज को चुका देगा। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। आगे क्या कह रहे हैं, एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड, उसके ऊपर कर्ज था कितने रुपए का, ओवर 3 रुपीज़, 3 रुपए से ज़्यादा का, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से। बिजाइड्स प्रीवियस अरियर्स अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ, बिजाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, प्रीवियस मीन्स पिछला, अरियर्स मीन्स होता है बकाया, अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ, यानी 1.5 रुपए, अ रुपी एंड अ हाफ का मतलब है 1.5 रुपए की जो रकम थी, जो बकाया रकम थी पिछली, उसके अतिरिक्त चाय की दुकान पर भी उसके ऊपर 3 रुपए से ज़्यादा का कर्ज था। ही ओड 6 रुपीज टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीड़ीज एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, ऑड्स एंड एंड्स का मतलब होता है फुटकर चीज़ें। तो कह रहे हैं ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, अली के 6 रुपए भी उसके ऊपर उधार थे, किस लिए, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीड़ीज एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, यानी अली जो उसे एक्स्ट्रा चावल बीड़ी और जो दूसरी फुटकर चीज़ें उसे लाकर देता था उसके लिए भी उसके पास 6 रुपए का उधार था, किसका, अली का। 1 month's हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़, और 1 महीने का जो घर का किराया था वो 3 रुपए था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन रकमों के अलावा, इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, इन रकम के अलावा, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसने क्या ले रखा था, छोटे छोटे कर्ज ले रखे थे ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, सेवरल पीपल अलग अलग लोगों से, किसी से 12 पैसे, किसी से 25 पैसे और किसी से 50 पैसे उसने उधार ले रखा था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 डेज बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमन, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी ने, हैड रिमाइंडेड हिम, उसे याद दिलाया था 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले, किस बारे में याद दिलाया था, अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमन, यानी फिश वुमन को जो 1 रुपए चुकाना था उसके बारे में भी उसकी पत्नी ने उसे 2 दिन पहले याद दिलाया था, यानी जो मछली वाली आती थी उसके भी 1 रुपए उसके ऊपर उधार थे। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने मेंटली यानी अपने दिमाग में ही एडेड अप, जोड़ लिया द टोटल अमाउंट, पूरे पैसों को, टोटल पैसों को जोड़ लिया, दैट ही नीडेड, जिसकी उसे ज़रूरत थी। वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट, गेट मीन्स होता है प्राप्त करना या मिलना, वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट, और जो उसे मिलने वाले थे, वॉज जस्ट 8.5 रुपी, वो कितने रुपए थे, जस्ट 8.5 यानी 8.5 रुपए। वॉट ही ओड, और जो उसके ऊपर कर्ज था, वॉट ही ओड, जो उसके ऊपर कर्ज था, वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे, और वो कितने थे, 22 रुपए 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी दूसरी आवश्यकताएं भी थी, दूसरी ज़रूरतें भी थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपए उधार ले रखा था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, और वो उन पैसों में से था, शी हैड स्लोली सेव्ड अप, जो उसने धीरे धीरे सेव अप किया था, बचाया था, नाउ एंड देन, कभी कभार, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मीन्स होता है के लिए, इन ऑर्डर टू बाय, ख़रीदने के लिए, क्या ख़रीदने के लिए, अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, यानी अपने छोटे बच्चे के वेस्ट चेन ख़रीदने के लिए जो पैसे उसने कभी कभार धीरे धीरे करके बचाए थे उसमें से भी 3 रुपए उसके हस्बैंड ने उधार ले लिया था। आगे कह रहे हैं, ही हैड अश्योर्ड हर
और उसने उसे भरोसा दिलाया था, अश्योर किया था दैट कि ही वुड बाय इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ. ही वुड बाय इट कि वो उसे ख़रीद लेगा. क्या ख़रीद लेगा? वेस्ट चेन, जिसके लिए उसकी पत्नी ने पैसे बचा के रखे थे. उसके बारे में उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो उस मंथ के पे से, उस मंथ की तनख्वाह से वो उसे ख़रीद लेगा. संकू's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट. संकू की हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन थी, वो अनियंत्रण रूप से तेज़ थी. थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचुन्नी. आगे कह रहा, थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपनी दिल की धड़कनों से ही कुड हियर, वो सुन सकता था. क्या सुन सकता था? द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर. ओनर कहते हैं मालिक को. कोचुन्नी, तो कह रहे हैं कि जो टी शॉप ओनर, जो चाय की दुकान का मालिक था जिसका नाम कोचुन्नी था, उसके हार्श वॉइस यानी उसकी कठोर आवाज़ को वो अपने धड़कनों में सुन सकता था. अलीज हॉलो लाफ्टर. हॉलो मीन्स खोखला. अली की खोखली हंसी को सुन सकता था. एंड वल्गर वर्ड्स. वल्गर कहते हैं अशिष्ट, असभ्य, गाली गलौज वाले शब्द. और अली की खोखली हंसी और उसके गाली गलौज वाले शब्दों को सुन सकता था. एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लुनप्पो, और वो लुनप्पो के चिढ़ाने वाली बातें भी सुन सकता था. हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था. ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज. ही फेल्ट, उसे लगा दैट कि दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, कि वो सब उसे घेरे हुए हैं. लाइक राउडी बॉयज. राउडी मीन्स होता है शरारती या फसादी. शरारती लड़कों की तरह उसे घेरे हुए हैं. आर्म्ड विद स्टिक्स, लाठियाँ लिए हुए हैं. गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग. स्ट्रे डॉग मीन्स आवारा कुत्ता. आवारा कुत्ते के चारों तरफ इकट्ठे होकर लाठियां लेकर वो शरारती लड़के घेरे हुए हैं. यानी उसे ऐसा लगा जिस तरह से शरारती लड़के आवारा कुत्ते के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं उसे मारने के लिए लाठियां लेकर, तो उसे भी लगा कि वो सारे लोग जो टी शॉप ओनर हैं, फंड के इंचार्ज हैं और अली हैं, उसे लगा कि ये सारे लोग उसे भी लाठियाँ लेकर उसे भी मारने के लिए घेरे हुए हैं, उसके चारों तरफ इकट्ठा हैं. फाइंडिंग इट अनबेरेबल. अनबेरेबल मीन्स होता है असहनीय. इसे असहनीय पाकर, किस चीज़ को असहनीय पाकर, यानी ये जो विचार उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में आ रहे थे, जब उसे सह नहीं पाया तो उसने क्या किया? संकू टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट. टर्न ओवर मीन्स होता है पलट जाना. ऑन हिज स्टमक, अपने पेट पर, यानी वो अपने पेट के बल पलट कर लेट गया. एंड थॉट, और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो. आगे कह रहा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है बट टू पिक इट अप टुमारो, कल उसे उठाने के. किसे उठाने के? गोल्ड वॉच, यानी सोने की घड़ी चुराने का जो उसका प्लान था, उसके बारे में कह रहा है कि उसे उठाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है. विल इट नॉट फैच एटलीस्ट 20 रुपीज़. फैच मीन्स होता है लाना. आगे वो सोच रहा है कि क्या ये 20 रुपये भी, कम से कम 20 रुपये भी नहीं लाएगी. Even 15 will do. 15 रुपये से भी काम चल जाएगा. 15 + 8.5. 15 + 8.5. That is 23.5 rupees. वो होते हैं 23.5 रुपये. यानी वो कह रहा है कि 15 + 8.5 23.5 रुपये होते हैं. It will fetch more than 15. और ये 15 रुपये से भी ज़्यादा लाएगी. यानी वो सोच रहा है कि गोल्ड वॉच बेचकर उसे 15 रुपये से भी ज़्यादा मिल जाएंगे. ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स. वो अपने कर्ज़ों को चुका पाएगा. एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा. अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स. अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स यानी कर्ज़ों से आज़ाद ज़िंदगी होगी, उसकी कर्ज मुक्त ज़िंदगी होगी. विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, और इस राहत के एहसास के साथ. यानी जब उसने सोचा कि गोल्ड वॉच बेचने के बाद जो पैसे उससे मिलेंगे, उससे वो सारे कर्ज़ों को चुका देगा, तो उसकी लाइफ कर्ज़ों से आज़ाद हो जाएगी, कर्ज मुक्त ज़िंदगी हो जाएगी, तो ये सोच कर उसे थोड़ी राहत मिली. ही ड्रिफ्टेड इंटू अ लाइट स्लीप, और वो हल्की सी नींद में चला गया. इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई. जब सोचते सोचते जब उसे नींद आ गई थी, तो उसकी आँख फिर डायरेक्ट कब खुली? जब सुबह हो चुकी थी. वॉट, क्या आर यू स्टिल अस्लीप?
क्या तुम अभी सोए हुए हो? संकूज वाइफ सेट। संकु की पत्नी ने कहा, जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, उसके कंधों को धीरे से हिलाते हुए। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूरज निकले हुए बहुत देर हो गई है। संकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, संकु ने तुरंत अपना सर उठाया, फौरन अपना सर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, उसकी पत्नी ने अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाया। हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो रेंग कर उसके पास आ रहा था, उस बच्चे को उसने गोद में उठाया। एंड आस्क्ड संकु, और संकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है? ओ यस, अरे हाँ, ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर आया, बिस्तर से उतरा। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी, इन अ हरी मीन्स जल्दी में। स्टेप डाउन, नीचे उतर कर आया। इन टू द कोर्ट यार्ड, आंगन में। वो जल्दी जल्दी में नीचे उतर कर आंगन में आया। वॉचिंग, देख कर, क्या देख कर? द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह जो सूरज निकला हुआ था उसके सुनहरी किरणों को देख कर। पियर्सिंग द लश बैम्बू फॉलियज, पियर्सिंग मीन्स भेदती हुई। द लश बैम्बू फॉलियज, लश मीन्स होता है रसीला, बैम्बू फॉलियज मीन्स बांस की पत्ती, रसीले बांस की पत्ती को भेदते हुए। ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्व की तरफ, यानी पूर्व की तरफ रसीले बांस की पत्ती को भेदते हुए जो सूरज की सुनहरी किरणें आ रही थी उसे देख कर। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, पाम लीफ मीन्स होता है ताड़ के पत्ते, थैच मीन्स छप्पर, और ताड़ के पत्तों से बने छप्पर को प्रकाशित करते हुए सुनहरी किरणों को, सूरज की सुनहरी किरणों को देखकर वो जल्दी जल्दी से उतर नीचे उतर कर आंगन में आया। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने अपने चेहरे को और हाथों को हमेशा की तरह धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, और अपने कपड़े पहने, पुट ऑन मीन्स पहनना, और अपने कपड़े पहने, वर्किंग क्लोथ्स, यानी वो। एंड ही वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, और वो अपनी फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था जब उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, यू मस्ट बाय, तुम्हें ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए, या तुम ज़रूर ख़रीद कर लेते आना सम ऑइंटमेंट, कुछ मरहम फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। यानी उसने अपने बच्चे के लिए मरहम ख़रीद कर लाने को कहा। शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, और उसने उसे इस तरह से देखा जैसे वो उसे आदेश दे रही हो। Sanku felt that each of the sore on the child's festering body was staring at him gruesome way. Sanku felt, Sanku को लगा, that each of the sore, कि उसके body पे जो फोड़े थे, जो जख्म थे, on the child's festering body, festering means होता है जो जख्म और फोड़ों से जो शरीर में मवाद पड़ जाते हैं उसको कहते हैं festering body. तो उसे ऐसा लगा कि उस बच्चे के शरीर पर, उस बच्चे के पूरे फोड़ों से भरा जो शरीर था उसका हर एक जख्म, हर एक फोड़ा, वॉज स्टेयरिंग एट हिम, वो उसे घूर रहा है ग्रूसम वे, बहुत भयानक तरीके से। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंट, और एक क्षण खामोशी से गुजर गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मरहम? संकु आस्क्ड लाइक अ फूल, संकु ने एक बेवकूफ़ की तरह पूछा, यानी संकु ने ऐसे पूछा जैसे उसे मालूम ही नहीं। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फोड़ों के लिए मरहम चाहिए, ऑइंटमेंट मीन्स होता है मरहम। कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी ने अपनी बात को जारी रखा। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू हैव नॉट सीन, कि तुमने नहीं देखा है द सोर्स, उन घावों को या फोड़ों को, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, जो उस बच्चे के पूरे शरीर में है। यस, हाँ, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने रुपए का, कितने पैसे का मरहम चाहिए? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, तो उसकी पत्नी कहती है कम से कम 13 पैसे का। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एटलीस्ट, क्योंकि हमें कम से कम 3 दिन तक उसे अप्लाई करना होगा, लगाना होगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संकु वांटेड टू स्टील द गोल्ड वॉच बिकॉज ही वाज अ हैबिचुअल थीफ, ही वांटेड टू पे हिज डेट्स, ही वांटेड टू लीड अ हैप्पी लाइफ। यानी संकु गोल्ड वॉच को चुराना चाहता था क्योंकि वो एक स्वाभाविक चोर था, वो अपने कर्जे चुकाना चाहता था, या वो एक प्रसन्न जीवन बिताना चाहता था। इन 3 ऑप्शंस में आपको राइट आंसर चूज करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। फर्स्ट है सी राजगोपालाचारी,
सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड पोंजीकारा रेफी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, द गोल्ड वॉच बिलोंग टू, यानी सोने की घड़ी संबंधित थी किससे? द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के मालिक की थी, अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन की थी, द इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री, या फैक्ट्री के इंजीनियर की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, शंकु वॉज अ डैश, फर्स्ट है रिच पर्सन, यानी वो धनी व्यक्ति था, हाई पेड वर्कर यानी कि ज़्यादा तनख्वाह वाला वर्कर था, अ पुअर लो पेड वर्कर, या फिर एक गरीब और कम तनख्वाह वाला वर्कर था। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि शंकु घड़ी चुराना चाहता था क्योंकि ही वॉन्टेड टू पे हिज डेट्स, वो अपने कर्जे चुकाना चाहता था, ये इसका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में, हु इज़ दी ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के ऑथर यानी लेखक कौन है? तो जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इसके लेखक हैं पोंजीकारा रेफी। थर्ड क्वेश्चन है, द गोल्ड वॉच बिलोंग टू, ये गोल्ड वॉच किसकी थी? इसका राइट आंसर है, द इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के इंजीनियर की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, शंकु वॉज अ डैश रिच पर्सन, हाई पेड वर्कर, अ पुअर लो पेड वर्कर, तो इसका राइट आंसर है अ पुअर लो पेड वर्कर, यानी एक गरीब और कम तनख्वाह वाला वर्कर था। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी के बचे स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड इंक्रीज योर नॉलेज।